अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहरिया मॉडल स्कूल PNIT मणिपुर सेकेंडरी विंग। आई एम मिस नौरीन, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। द टॉपिक्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द एनिमल किंगडम। द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अबाउट 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर मे बी मैनी मोर विच हैव नॉट बीन discovered. To make the study of living things easier and more systematic, scientists classify living things into different groups based on some important common characteristics such as their structures, development and life history. 2 million different types of living things की study one by one करना possible नहीं है, इसलिए scientist study को आसान और systematic बनाने के लिए living things को different groups के अंदर डिवाइड करते हैं। और ये ग्रुप्स लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस और उनकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिटवीन सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट की जाती हैं। जिन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं तो फिर उन्हें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा जाता है। और इस तरह से तमाम लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की जाती है इंटू डिफरेंट ग्रुप्स। 4th century के अंदर एक ग्रीक साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग थिंग्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सीम्स ऑब्वियस, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड टाइनी लिविंग थिंग्स विच आर नाइदर एनिमल्स नॉर प्लांट्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने ऐसे लिविंग थिंग्स डिस्कवर्ड किए जो ना तो एनिमल किंगडम के अंदर रखे जा सकते थे और ना ही प्लांट किंगडम के अंदर। सो स्टूडेंट्स, टुडे साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स ब्रॉडली इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स। द फर्स्ट वन इज़ किंगडम प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसे तमाम लिविंग थिंग्स रखे जाएंगे जो यूनिसेलुलर हैं और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। किंगडम प्रोटोक्टिस्ट इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर यूनिसेलुलर एंड हैव ट्रू न्यूक्लियस। किंगडम फंजाई इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर क्लोरोफिलस लिविंग थिंग्स। एंड किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर नॉन क्लोरोफिलस लिविंग थिंग्स। द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। Vertebrates are the animals with backbone, while invertebrates are the animals without backbone. So, students, do you have a backbone? Feel the back of your body with your fingers. Are you a vertebrate or an invertebrate? So, students, all the human beings have backbone, and all human beings include in the group of animals called vertebrates. There are about 47,000 different kinds of vertebrates on the earth, but there are more than 1,200,000 different kinds of invertebrates. What do you think? You can study the animals one by one or in sorted groups. Which method is easier? So students, living things ko hamesha groups ke andar divide karke study kiya jata hai. To sabse pehle animal kingdom ke group vertebrates ko स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिश। फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। देयर बॉडीज आर वेल अडेप्टेड फॉर लाइफ अंडर वाटर, लाइक दे ब्रीथ और एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वॉटर थ्रू देयर गिल्स। दे डू नॉट हैव लंग्स, दे हैव फिन्स एंड टेल्स टू हेल्प देम स्विमिंग, एंड देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड। लाइक फिश की बॉडी एरोप्लेन और बर्ड्स की जिस तरह बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन, इस तरह फिश की बॉडी भी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, सो दैट दे कैन मूव फास्ट इन द वॉटर।
Their skin is covered with hard scales for protection. Most fish reproduce by laying eggs. Examples of fish include shark, lionfish, ray, butterfly fish, puffer fish, etc. The next group is reptiles. Reptiles वो living things हैं जो completely land पे survive कर सकते हैं. They are cold-blooded animals and they have dry, scaly skin which prevent their bodies from losing too much water. They reproduce by laying eggs on land and their eggs have thick leathery shells to prevent them from drying up. क्योंकि इनके एग लैंड पे होते हैं तो इसलिए उनके अराउंड लेदरी थिक शेल मौजूद होता है जो उन्हें ड्राइंग अप होने से बचाता है. द एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स इंक्लूड लिजर्ड, कोमोडो ड्रैगन, स्नेक, क्रोकोडाइल, टेरापिन एक्सेट्रा. द नेक्स्ट ग्रुप इज बर्ड्स. बर्ड्स आर द वर्टिब्रेट्स दैट आर वार्म ब्लडेड. Warm-blooded animals means their body temperature does not change with the surrounding temperature. Birds lay eggs with shells. इनके eggs के around भी shell मौजूद होता है. और उसके अलावा birds are the only animals with feathers. इनके पास feathers भी होते हैं, wings भी होते हैं और beak भी होती है. Feathers और wings इन्हें fly करने में help करते हैं. और उसके अलावा तमाम बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते. हेयर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स. ऑस्ट्रिच है, स्टॉर्क, सन बर्ड, स्पैरो, पिजन, ये तमाम क्या हैं, बर्ड्स हैं. द नेक्स्ट ग्रुप इज मैमल्स. बैट्स, व्हेल्स, एलिफेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स, दीज ऑल बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कॉल्ड मैमल्स. मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. दे हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज एंड देयर यंग आर फेड ऑन मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर्स मेमरी ग्लैंड एंड देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड दीज आर कॉल्ड मैमल्स. ऑल मैमल्स एक्सेप्ट द डक बिल्ड प्लेटिपस एंड द स्पाइनी आंट ईटर रिप्रोड्यूस बाय giving birth to live young. सिर्फ duck billed platypus and spiny anteater egg lay करते हैं. And the bat is the only mammal that can fly. These are some examples of mammals. Monkeys, bat, whale, dog, cow, duck billed platypus, human being, porcupine. These all are the examples of mammals. The last one is amphibians. Amphibians are cold-blooded vertebrates which can live both on land and in water. ये water में भी रह सकते हैं और land पे भी, लेकिन इन्हें अपने life cycle को complete करने के लिए water की need लाजमी होती है because they lay egg in water. Most amphibians spend their adult lives on land and return to the water to lay eggs. They usually have loose and moist skin. The examples of amphibians include toad, frog, salamander, etc. I hope students आपको ये lecture समझ आ गया होगा. Now the home task is page number 151 to 155 आपने read करना है. उसके अलावा रिव्यू क्वेश्चंस आपने याद करने हैं बुकलेट से 1 और 2 और रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3 बुक पेज नंबर 168 पे फिल इन द ब्लैंक हैं ये आपने सॉल्व करनी है.